नान ने मुझसे कहा है कि वो अपने घर वालों से बात करेगा और जल्दी उन्हें राजी कर लेगा। आ, मैं जानता हूं तेरी पट्टियों को और समझाने को भी। इसको समझा, आराम से निकाह पड़वा ले और चुप कर, चुप। अच्छा। तुमको परेशान लग रहा है, बात क्या है? नहीं सरकार, सब ठीक है। को बात है तो भी बता दे। नहीं सरकार, कोई बात नहीं। वैसे सरकार अभी तो पढ़ के आ रही है, ऊपर से शादी है, देख के परेशान होगी। ये तो पितरी है मरे ना सरकार। ला ये दे, मैं ले लेके जाता हूँ, बनवा दो जा। बस सरकार, दुल्हन बनना है तो उसमें थोड़ा सा देख। एक बात को बता देना कि किसी किस्म की कोई बदमजगी नहीं होनी चाहिए, और तू भी सुन ले ये बात। आप बेफिक्र हो जाए सरकार। फिक्र ना, ओ भाई मैंने काहे की फिक्र करनी है? फिक्र तो तू कर कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। जी सरकार। तो तुम्हें खड़ा क्यों है? जाके इसको तैयार करा। और सुन, ये इत्र की शीशी भी दे, इन्हें मैं खुद ही लगा लूंगा। अच्छा सर, चुप कर जा नारो, कुछ नहीं हो सकता, चुप कर। तुम लोग अभी तक वैसी की वैसी बैठी हुई हो? हम पागल हैं, बाहर तुम्हारे इंतजार में बैठे हुए हैं। वैसे यही समझा रही थी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तारा, तुझे और तेरे समझाने को कान खोल के सुन ले। अगर अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी चाहती है ना, तो ये जोड़ा पकड़, पहना इसको, वरना तो मुझे अच्छी तरह जानती है। मुझे नहीं पहना कोई जोड़ा बोड़ा, ले जाए इसे और कर दे उन्हें वापस। कैसी बातें कर रही है तू? अगर बाहर आवाज चलेगी ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो चली जाए आवाज, आपकी तरह मैं उनकी गुलाम नहीं हूं। जबान चला रही है मेरे साथ, बकवास कर रही है तू? तो मुझे जानती नहीं है, बदतमीजी की, बकवास की ना, तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कवो के आगे डाल दूंगा। खामोशी से कपड़े पहन, छोड़ के कपड़े, आवाज ना आए। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी मैं। आपका शौहर क्या समझता है? वो इस तरह मुझे डराएगा और मैं डर जाऊंगी? भूल है उनकी, वो शायद ये नहीं जानते कि मैं उन्हीं की औलाद हूं। तो क्या करने वाली? जो भी करूंगी आपके लिए और अपने लिए करूंगी। लेकिन बेटा इसमें बहुत खतरा है, ये लोग हमें कत्ल करने में पीछे नहीं हटेंगे। फिर क्या सोचा तुमने काशिफ? किस बारे में भाई? अपने और साइमा के बारे में, और किस बारे में? अदनान की कॉल आई थी मुझे। अच्छा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताता? यही कि उसने क्या कहा? यही कि साइमा मेरी जिम्मेदारी है, उसे ले जाओ बस। तो तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था? मैंने कहा अगर तुम सोबिया से शादी करोगे तो मैं साइमा को अपने घर ले जाऊंगा। शाबाश मेरा बेटा, जुग जुग जियो, हमेशा सलामत रहो। हमें सोबिया मेरी बहन है, मुझे बहुत प्यारी है, इसकी खुशी में मेरी खुशी है। ओ मेरे प्यारे भैया। अच्छा ये तो बताओ फिर क्या कहा अदनान ने? हमें कुछ देर तो लगेगी अपनी बात मनवाने में, और मैं जानता हूं अदनान अपनी बहन के लिए घुटने टेक ही देगा। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब मैं देखती हूँ कैसे वो लोग हमें जवाब देते हैं।
और तुम खुश हो। अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए मेरे बच्चों को। एनी, क्या सोचा है तूने? बेटा चल मेरी बच्ची, ये कपड़े पहन ले इससे पहले कि वो तेरा सालिम बाप आ जाए। मैं नहीं डरती किसी से, मुझे कपड़े ला के पहना दे, लेकिन ये कपड़े नहीं पहनूंगी मैं। लेकिन मेरी बच्ची, जिद से कुछ हासिल नहीं होगा तुझे। नहीं, ये जिद नहीं है, अदनान से प्यार करती हूँ मैं, उसी से शादी करूंगी। मेरी बच्ची, जिंदगी में वो सब कुछ नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। अल्लाह ना करे तुझे कुछ हो। मैं कुछ नहीं जानती अम्मी, अगर आपके शौहर ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन उनकी बात नहीं मानूंगी। अम्मी आपको इनसे बात करनी होगी, मैं अदनान से ही शादी करूंगी। ये सब मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। मेरी बच्ची, वो तेरे जज्बात को नहीं समझ सकता। उस जालिम के सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। लेकिन वो ये भूल गए कि मैं ताहिरा नहीं हूं, ऐनी हूं उनकी बेटी। तो क्या करना चाहते? मौका मिलते मैं यहां से भाग जाऊंगी। ऐनी, यहां से भागना नामुमकिन है, वो तुझे भागने नहीं देंगे। और अगर तू भाग भी गई तो वो तेरे साथ न जाने क्या करेंगे। तो इन लोगों को नहीं जानती। मैं जानना भी नहीं चाहती, समझ नहीं रही अम्मी। अदनान को धोखा नहीं दे सकती मैं, उसके अलावा किसी के बारे में सोचना भी मुहाल है मेरे लिए अम्मी। मैं हमेशा तेरे साथ हूं मेरी बच्ची, हमेशा। काश हमारी जिंदगी में ये दिन ना आया था, काश। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने तेरी शादी के लिए, लेकिन ये शादी ऐसे होगी मैंने सोचा नहीं था। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं? आप लोग इन्हें सही वक्त पे हॉस्पिटल ले आए, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो इनका बचना बहुत मुश्किल था। आप शरीफ लोग लग रहे हैं इसलिए मैं रुक गया, नहीं तो ये तो सीधा सीधा पुलिस केस बनता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आप जानती हैं जिंदगी अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। और इसकी कदर उनसे पूछिए जो जीना चाहते हैं लेकिन उनके पास मोहलत नहीं है। माशाल्लाह आप तो पढ़ी लिखी हैं, कम से कम आपको तो सोचना चाहिए। और मुझे उम्मीद है आप आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। साइमा, मेरी जान, तुमने ये क्या किया? तुमने एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारी माँ तुम्हारे भाई पर क्या गुजरेगी, क्या करेंगे वो तुम्हारे बगैर? कोई मुझसे प्यार नहीं करता अम्मी, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। ऐसी बातें कर रही हैं बच्चिया, अम्मी है, मैं हूं, हमें जरूरत है आपकी। इतना बड़ा कदम आपने कैसे उठा लिया? अदनान, मैं तुम पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने भाई पर बोझ बनूं, मेरी वजह से उसकी जिंदगी खराब हो।
सब ठीक हो जाएगा बच्ची, ऐसा मत सोचे। कुछ ठीक नहीं होगा। अम्मी आप समझाएं ना। साइमा बेटा अदनान ठीक कह रहा है, हम हैं ना तुम्हारे साथ। क्यों फिक्र करती हो मेरी बच्ची। सरकार क्या सोच रहे हैं आप? तो यार मैं सोच रहा हूँ कि हनीमून मनाने स्कर्दू जाएंगे, वो मौसम के मजे लेंगे। सरकार आपको तो नसीब खुल जाएगा। हाँ? डर गया बच्चे। अब तो तू मेरा सोड़ा बनने वाला है, अब तो सारा इलाका तुझसे डरेगा, तू क्यों डरता है? सरकार मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ तो ऐसी बातों में यकीन आने में टाइम तो लगता है ना। जी सरकार। तो यार बड़ा ही टाइम हो गया है, अब तो बहुत ही देर हो गई है। सरकार दुल्हन है, टाइम तो लगेगी। वो यार पता है, पर मुझे तो लगता है 16 के भी 32 सिंगार कर रही है। मैं सरकार को जा जा उसको तैयार करके लेके आ है? और अब खाली आसरा आना। नहीं सरकार मैं लेके। यार जगह दो यार। हमें मैं यहां से भाग जाऊंगी। लेकिन कैसे? क्या तुझे अदनान के घर का पता है? नहीं। तो भाग के जाएगी क्या मेरी बच्ची? कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन यहां एक पल नहीं रुकूंगी। मुझे फिक्र है तो सिर्फ आपकी, कि लोग पता नहीं मेरे जाने के बाद आपके साथ कैसा सलूक करें। तो मेरी फिक्र ना कर। कैसे फिक्र ना करूं अम्मी, ये लोग भेड़िए हैं, के साथ पता नहीं कैसा सलूक करेंगे। मेरी बच्ची तेरे लिए मेरी जान भी चली जाए ना तो मुझे परवाह नहीं, फिक्र मुझे सिर्फ इस बात की कि तू भाग के जाएगी कहां। जा किस्मत ले जा। तुम लोगों पे अभी तक मेरी बात का असर नहीं हुआ, यानी तैयार क्यों नहीं हुई? वो मैं इसे यही कह रही थी कि जल्दी से तैयार हो जा, लेकिन वो तो मैं देख रहा हूँ ना जो तू इसको तैयार कर रही है। तू तो इधर आना जरा। मुशीफ छोड़े अम्मी को, मेरे पास ही रहने देने। अब तेरी माँ तुझे उस वक्त मिलेगी जब तू दुल्हन बनकर बाहर आएगी। तेरी माँ की जिंदगी तेरे हाथों में है, तैयार होकर बाहर आ जा। बशीर बशीर मेरी बात सुन, मेरी बात सुन बशीर। मैंने सारी जिंदगी तुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आज तुझसे मांगती हूँ मुझे मेरी बेटी की खुशियाँ दे दे। तेरे मेरी बेटी की खुशियाँ, अरे बाप तो अपनी बेटियों की जिंदगी के महाफिज होते हैं, तू कैसा बाप है? अपने यहाँ तो अपनी बेटी को अपनी खाई में फेंक रहा है। ये मेरी बेटी है, बाप हूँ मैं इसका, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ इसकी शादी कहाँ होनी चाहिए। चल तू। तो फिर मैं भी इसकी माँ हूँ, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। तू रोकेगी मुझे? हाँ मैं रोकूंगी। तू मेरी अम्मी छोड़ छोड़ अम्मी छोड़ छोड़ अम्मी छोड़ अम्मी दरवाजा खोलो। रहम कर मेरे मौला।
कैसी बचिया? ठीक है, दवाइयों का असर है, सो रही है। शुक्र है। अदनान, ऐसा कब तक चलेगा बेटा? क्या मतलब ऐसा कैसे चलेगा? आज तो हमने साइमा को बचा लिया, लेकिन अगर उसने दोबारा ये हरकत की तो मैं नहीं बचा पाऊंगी। कुछ नहीं होगा बचिया को, साइमा टूट चुकी है। यही आस थी कि काशिफ वापस आ जाएगा, अब तो उसकी भी उम्मीद नहीं रही। क्यों आस नहीं रही? मैं बात करूंगा काशिफ भाई से, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। खुद को धोखा दे रहे हो या मुझे? तुम भी काशिफ को जानते हो और मैं भी। वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो आप बताएं मैं क्या करूं? बेटा, तुम जो भी फैसला करो, अपनी बहन का ख्याल रखना। मैं सब कुछ सह सकती हूं, लेकिन तुम्हारी वजह से साइमा मर गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। अम्मी बचिया मेरी भी बहन है। मगर तुम पर तो किसी और की मोहब्बत का भूत सवार है, तुम्हें ना अपनी बहन का ख्याल है ना मेरा। लेकिन एक बात याद रखना अदनान, अगर साइमा को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माशाल्लाह मेरी यानी कितनी प्यारी लग रही है। यानी बेटा तू खुश क्यों नहीं? देख मैं तुझे गारंटी देता हूं, अकबर के साथ तू इतना खुश रहेगी, इतना खुश रहेगी कि तूने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। आप देंगे मेरी खुशी की गारंटी? जो सारी जिंदगी मुझे और मेरी मां को खुशी का एक पल नहीं दे सके, आज मेरी खुशी के जामिन बन रहे हैं आप। मैं मानता हूं मैंने बाप का हक अदा नहीं किया, लेकिन अब मैं तेरी सारी शिकायत दूर करता हूं। अगर आप मुझसे जरा सा भी प्यार करते हैं रोक देंगे शादी, जाने दे मुझे यहां से। अब तो तूने कह दिया, तुम्हारा ये लफ्ज तेरी जबान पे ना है। भूल गई थी मैं, भूल गई थी कि मेरे सामने मेरा बाप नहीं अकबर का गुलाम खड़ा है। मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझना। अब तक मैं खामोश सिर्फ इसलिए था कि ये शादी हो जाए। अकबर को तो पसंद ना आती तो मैं तेरा वो हशर करता, वो हशर करता कि तू जिंदगी में मेरे सामने आने से पहले हजार बार सोचती। कभी कभी मुझे यकीन होने लगता है आप मेरे बाप हो ही नहीं सकते। नहीं सुननी मुझे तेरी ये फजूल बातें। चल बाहर चल। अगर मैं ना जाऊं तो? लगता है तुझे अपनी माँ से मोहब्बत नहीं है। होनी की मोहब्बत तो है जिसने मुझे मजबूर कर दिया, वरना वरना क्या? वरना हम दोनों में से कोई एक आज इस दुनिया में ना रहता। धमकी दे रही है? यही सच है।
एक ही ना तूने बशीर की बेटी वाली बात। चला बाहर चल। किसी के सहारे की जरूरत नहीं है मुझे, मैं खुद आऊंगी। चल ठीक है, जल्दी आ। क्या करूं मैं, अगर रैनी को छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। सिर्फ मैं ही हूं जिसकी तुझे कोई परवाह नहीं। तू अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। मेरा दिल अपनी जिंदगी से बहर गया, मुझे नहीं जीना, नहीं जीना मुझे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा बच्चिया। वो तुम्हारी क्लास फेलो है, यहां आने में क्या हर्ज? पापा कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन लेकिन वगैन कुछ नहीं भाई। मैं चाहता हूँ अपनी जिंदगी में तुम्हारा घर बसा दूँ। कहीं तुम पछता तो नहीं रहे हो अपने उस फैसले पर जो तुमने साइमा के लिए किया?